घर से बाहर नहीं निकलना है। चाहे जो हो जाए घर में ही रहना है। सोशल डिस्टेंसिंग प्रधान रुके, हाथ दे रहे हैं, कुछ समझा करो है? हाथ दे रहे हैं, कुछ दिख रहा है? नहीं देखा। कहाँ जा रहे हो, कहाँ जा रहे हो? कर्फ्यू लगा मालूम है? कर्फ्यू लगा मालूम है? कर्फ्यू लगा मालूम है? ये पूछ रहा हूँ मैं तुम्हें, घूमने का समय है ये? नहीं, ये क्या है? तो फिर उतरो, बाहर बाहर निकलो, बाहर निकलो, बाहर निकलो, बाहर निकलो, बाहर निकलो, सब लोग बाहर निकलो। क्या घूमने का समय है ये? नहीं तो ये कहाँ जा रहे हो? नर्मदा जी तक जा रहे हो? अरे सर, नर्मदा जी जा रहे हो? नर्मदा जी जा रहे हो? घूमने का समय, कर्फ्यू लगा है, कर्फ्यू लगा है, कर्फ्यू लगा है, कर्फ्यू लगा है ना? मजाक लग रहा तुम्हें? कर्फ्यू लगा है, मजाक चल रहा है क्या? मजाक, डिक्की खोल, मजाक लग रहा है तुम्हें? घूमने जा रहे हो साले, दर्शन करने, कर्फ्यू नहीं लगा, दिख नहीं रहा क्या तुम्हें? कर्फ्यू लगा नहीं दिख रहा तुम्हें? कर्फ्यू लगा नहीं दिख रहा तुम्हें? चल जल्दी मोड़, मोड़ जल्दी, मोड़ मोड़ जल्दी, मोड़ 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 मोड़। कर्फ्यू लगा नहीं मिल रहा तुम्हें? इधर आ जा, इधर आ, कर्फ्यू लगा नहीं मालूम तुझे? भाग जल्दी भाग, इधर इधर इधर, गाड़ी में बैठ, गाड़ी में बैठ, गाड़ी में बैठ। कर्फ्यू लगा नहीं मालूम तुझे? कर्फ्यू लगा नहीं मालूम? घूमने निकले है साले, घूमने निकले है, अरे घूमने निकले है, नहीं तो घूमने निकले है क्या? मजे आ रहे चोरे? बहुत से दिन पता चलेगा अपन बहुत लेट हो चुके होंगे, तो मेरी आपसे विनती है कि ऐसी कोई आवश्यकता नहीं है कि अपने जीवन से जरूरी हो। आप घर में रहे और सुरक्षित रहे, और सबसे पहली बात, कई लोगों ने एक बड़ी बदतमीजी क्या करी है कि अपने बूढ़े माँ बापों को भेज रहे हैं कि उसको पुलिस नहीं मारेगी। अरे बेशर्मो, हद कर लो थोड़ी सी। उन बूढ़े माँ बापों को बिल्कुल बाहर निकालने की जरूरत नहीं है। औरतों को, बूढ़े माँ बापों को जो बाहर निकाल रहे हैं उनसे बेशर्मी कहीं नहीं हो सकती। ये कोई पुलिस से डरने की बात नहीं है, पुलिस आपको डराने के लिए नहीं है। इस समय पुलिस केवल इसलिए है कि आप लोग अंदर रहें, सुरक्षित रहें, हम लोग बाहर बैठे हैं आपके लिए। आप थोड़ी इसकी गंभीरता को समझिए। इससे पहले कितनी बार एक SDM, डिप्टी SP, SP साहब, कलेक्टर साहब बाहर आपको कहने के लिए आए थे, कितनी पहले आ गए? इस बार आए तो कुछ गंभीरता इसमें है। प्रधानमंत्री महोदय, मुख्यमंत्री महोदय डेली मीटिंग लेते हैं, डेली एक घंटे मीटिंग लेते हैं। कब इससे पहले कब मीटिंग ली थी? इससे पहले कब इंडियन रेलवे बंद हुआ था? ये चीजें आप लोग समझिए, आप लोग इसको मजाक में समझ रहे हैं। और कई लोगों के दिमाग में ये गलत फहमी है कि मैं तो शाकाहारी हूं, मैं तो देसी आदमी हूं, मैं तो गाय का दूध पीता हूं। ये फालतू बातें दिमाग में कोई नहीं लाएगा, इन चीजों से नहीं बचने वाले। ये बीमारी देसी आदमी और देसी चीजों से नहीं रुकती है। एक बार इसका एक ही इलाज है बस, आप लोग घर में रहे। मैं एक चीज और आपको कहता हूं, कहीं यहाँ पे सिरोही में एक छोटी सी समस्या है, कहीं बुजुर्ग आदमी रहते हैं, केवल मतलब बूढ़े आदमी और औरत दो जने घर में रहते हैं, तो आपकी जिम्मेदारी है उनसे जरूर पूछे कि उनको कोई आवश्यकता है। यदि आवश्यकता आप पूरी कर सके तो अच्छी बात है, नहीं तो हमें बताइए, हम पूरी तरह तैयार है। हमारे सिरोही को कल मुख्यमंत्री महोदय ने VC ली, प्रेस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ली, उसमें एक बात कही उन्होंने कि सिरोही एक ऐसा जिला है जिसको घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे दानदाता बहुत है। तो हम हर घर में दानदाता है हमारे, हमारे बगल में कोई व्यक्ति बूढ़ा बूढ़ा अम्मा, कोई बाबा बैठा है, तो आप लोगों को उनके पूछताछ करें कि भाई कोई समस्या हो तो बताएं। अगर आप निदान कर दे तो अच्छी बात, नहीं तो हम लोग बैठे हैं अपने दान करने के लिए। और मेरी बात इसको ध्यान से सुन लें, यदि आप, कई लोगों की एक समस्या के साथ बच्चे मान तो नहीं है,
अरे मारो थप्पड़ मारो उन बच्चों के, जिंदा रहेंगे तो ही ठीक रहेंगे वो। इतना आपको अच्छा बनने की जरूरत नहीं है किसी को भी, अगर आप थप्पड़ नहीं मारो तो हम लट मारेंगे फिर क्या दिक्कत है घर। और एक पुलिस के डंडे से दे वो घर में रह जाता तो बहुत बढ़िया है, जिंदगी बच जाएगी उसकी। इस चीज में आप समझिए इस चीज को, हमारे कोई हमारे को सुबह से शाम लेट कर यहाँ पर डोलने में लट बजाने में कोई मजे नहीं आते हैं, लेकिन आप लोगों की सुरक्षा सबसे ज्यादा जरूरी है। तो मेरी सब एक मेरी विनती है, हाथ जोड़कर विनती है मेरी सबसे, कि अपने घरों में ही रहें, जबरदस्ती बाहर नहीं निकले। फल दुकान चल Thank you.